हे गाइस, कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे, भले चंगे होंगे। और देखो, आज मैं बनाने जा रही हूँ चने की सब्जी। देखो तो देखो, मैंने चने को पीस लिया है और कब बनाऊंगी मैं निगोना। इसको अभी फ्राई करना है, दिखाती हूँ मैं आपको फ्राई करती हूँ कैसे फ्राई करते हैं। कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल में इसको फ्राई करने के लिए। अब फ्राई हो जाएगा, उसके बाद दिखाते हैं आपको। इसको ब्राउन करना है बिल्कुल। तो एक ही वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को जाके सब्सक्राइब करना न्यू है तो। ठीक है, अभी देखते हैं। देखो गाइस, देखो फ्राई हो चुका है ऐसे। देखो ब्राउन ब्राउन बिल्कुल पूरा हल्का। और अब इसकी बनाऊंगी सब्जी। यहाँ पे देखो बच्चों के लिए बनी है पूड़ी। उनको बच्चों को पूड़ी खानी थी तो बोला था उनके लिए पूड़ी बना दो। तो मैं चलो पूड़ी भी बना दूँ यहाँ पे एक साइड में, और एक साइड में इसको भी कर दिया है। तो पूड़ी भी देखो मेरे फुलका है, बड़े बड़े फुलका। देखो ये आलू काट के रख लिया, ये प्याज, और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। और कढ़ाई में तेल डाल दिया है और अब मैं गैस करूँगी ऑन। इसमें थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा सा तेज पत्ता, लौंग, इलायची सब थोड़ा डाल दिया, प्याज के बाद धनिया, मिर्ची और हल्दी का पेस्ट डाल दिया है। वो भी मैंने थोड़ा सा सिलबट्टे के ही रहता था, क्योंकि सिलबट्टे की बात में तो थोड़ा टेस्टी बना जाता है। प्याज भी मेरे सिलबट्टे की बनाती थी। उसके बाद एक पक जाएगा, देखो तेल छोड़ने लगा है, तो डाल देंगे आलू। फिर उसके बाद मैंने देखो टमाटर भी किस्म कर लिया है, तो डाल देंगे टमाटर। सकते हैं आप लोग, मेरी सब्जी हो गई है रेडी बन के। कैसी लग रही है देखो। निगोना, निगोना की सब्जी बनके हो चुकी है रेडी। और इसको चावल में भी खाओ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को जाके सब्सक्राइब करना। बाय बाय।